मैंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहीं कहीं परेशान नहीं होने दिया। पूरी वर्किंग कमेटी जब भाजपा की आई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी अडवाणी जी के साथ, उनके लिए भोजन की व्यवस्था मैंने खुद ने करी थी, उनको इनवाइट किया था, मैंने भोजन दिया था। आपके कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर थे, मैं मुख्यमंत्री था, एक एक काम इंदौर का जो उन्होंने बताया वो मैंने किया। मेरे कांग्रेस के लोग मुझसे इस बात के लिए नाराज भी होते थे कि आप क्यों करते हो, लेकिन कुर्सी जो होती है, कुर्सी में पहुंचने के बाद शपथ होती है कि मैं निष्पक्षता से काम करूंगा। ये सरकार निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम भारत जोड़ने में ये कोई हमारी राजनीतिक वो बात नहीं है, हम तो देश के लिए कर रहे हैं कि भारत का संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म विश्व को कुटुंब मानता है। हर धार्मिक आयोजन में शांति पाठ होता है कि नहीं होता है? यात्रा के दौरान कोई विघ्न आएगा ऐसी भी कांग्रेस? देखो, मैं तो कहता हूं कि शांति पाठ होता है कि नहीं होता है? बिना शांति पाठ के कोई धर्म का काम शुरू होता है सनातन धर्म का, बताइए? और हमारा नारा क्या होता है? प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। मैं इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, होता है हर तरह के विघ्न, संतोषी लोग होते हैं, लेकिन हम विघ्न संतोषियों से भी प्रार्थना ही करते हैं, बाकी जो होगा सो देखेंगे। सर, एक परिवर्तन का दौर आपको लगता है राहुल गांधी की एंट्री मध्य प्रदेश में होगी, उसके बाद देखने को मिलेगी? ये आप लोगों पे निर्भर करता है कि आप कितना हमें न्यूज़ देते हैं। राहुल गांधी गुजरात जा रहे हैं, यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी का ऐसा कौन सा व्यक्तित्व सामने आया जो देश की जनता को नहीं पता है और आपको पता चला होगा? आपको क्या लगा? मेरे को सर राहुल गुजरात चुनाव, अरे राहुल गांधी गुजरात जा रहे हैं सर, हिमाचल वो नहीं गए थे, इसको लेके भाजपा ने उनकी आलोचना की, क्या जवाब देने जा रहे हैं? क्यों आलोचना? देखो, ऐसा है, भाजपा ने आलोचना के लिए राहुल गांधी को क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि एक महीने के अंदर मोहन भागवत जी मदरसा और मस्जिद जाने लगे, थोड़े दिनों में मोदी जी भी टोपी पहनने लगेंगे, विदेशों में तो पहन रहे हैं, सऊदी अरब में जाते हैं, वहां जाते हैं, मुस्लिम देशों में तो वहां टोपी लगा लेते हैं, भारत में नहीं आके लगाते, वो भी लगाने लगेंगे। स्वयं जो हमारे आरएसएस के जो नंबर 4 महामंत्री जी, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, कहा था कि नहीं कहा था? ये 2 महीने के अंदर इतना असर हो गया। अब श्रीनगर पहुंचते देखिएगा क्या होता है। सर, गुजरात चुनाव में एक तरफ कांग्रेस बीजेपी है, लेकिन साथ में ओबीसी और आम आदमी पार्टी भी है, वो तो बी टीम है, वो तो मैं तो आज से नहीं, 2012 में मेरे स्टेटमेंट आप देख लीजिए, मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल जो है ये आरएसएस का भारत, कांग्रेस मुक्त भारत का एक अंग है और ये भाजपा की बी टीम है, ये केवल वोट काटने के लिए एमआईएम और ये आते हैं और ये पूरे तरीके से मेरा तो आरोप रहा है मेरे ऊपर, आरएसएस भी मानहानि का दावा करती है और ओबीसी भी मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करता है, क्योंकि मैं निष्पक्षता से दोनों की पोल खोलता हूँ। ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आरएसएस अपंजीकृत संस्था है कि नहीं है, बताइए? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए, क्या आरएसएस पंजीकृत संस्था है या नहीं? नहीं है। आप पंजीकृत संस्था नहीं है तो अकाउंट भी नहीं है, अकाउंट नहीं है तो गुरु दक्षिणा कहां जमा होती है? गुरु दक्षिणा ली जाती नहीं ली जाती पूरे देश में, कहां जमा होती है, कौन से खाते में जमा होती है? ऐसे में आरएसएस का ऑफिशियल हैंडल पर ट्वीट आया था,
कि हमने कोविड में 7 करोड़ रुपए खर्च किए। मैंने वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा है कि जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका अकाउंट नहीं है, उसने 7 करोड़ रुपए नकदी मनी लॉन्ड्रिंग की कि नहीं की, उस पर छापा क्यों नहीं डलता, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। मेरे पास खबरें आरएसएस वाले भेजते, भैया हमारी काहे की लगे हो, मोदी के खिलाफ बोलो ना। सर, ऐसा कहा जाता है कि जो यात्रा है उसका आइडिया, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला है। और इतना भी आपको बता दूं, राहुल जी काफी दिनों से इस प्रकार की यात्रा प्लान कर रही है। सर, कमलनाथ के वापस से सिख दंगों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। कीर्तन कार ने मंच से बहुत सारी बातें कही जो शायद आपने पढ़ी होंगी, और अभी ये बात है कि अगर वहां गए खालसा स्टेडियम में करना विरोध किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार उस दुर्घटना के बाद सत्ता में रही कि नहीं रही, उस सरकार में क्या कमलनाथ जी पर कोई मुकदमा दायर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ क्या, क्यों नहीं हुआ? जब प्रमाण नहीं है, केवल झूठी बात करना इनकी आदत में शुमार है। खालसा कॉलेज नहीं जा रहे हैं। देखिए, एक बात बता दूं, रूट मैं तय नहीं करता, कहां रुकना है मैं तय नहीं करता, पार्टी तय नहीं करती है, ये राहुल गांधी जी की सिक्योरिटी टीम है, जिसमें सीआरपीएफ भी है और का सारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग तय करते हैं कहाँ रुकेंगे, कहाँ नहीं रुकेंगे, कहाँ से जाएंगे, ये हम लोग तय नहीं करते। सर, भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश चरण में क्या प्रियंका गांधी जी का नाम भी नाम चल रहा था? प्रियंका, हाँ, प्रियंका जी का मैसेज है, शायद आएंगी। मैं तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल रात को मैंने ताई को फ़ोन भी किया, ताई ने बेहद अच्छा बयान दिया है और उनके भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की है, हम ताई के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।